वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपको क्लास फिफ्थ के लिए इब्तदाई उर्दू बुक से सबक नंबर 17 को पढ़ाऊंगी। एग्जाम से मुतालिक पूरे ही चैप्टर की तैयारी करवाऊंगी, सभी क्वेश्चन आंसर, सभी ग्रामर लिखनी बताऊंगी कि एग्जाम में किस तरह से लिखोगे। तो चैनल की प्लेलिस्ट में आपको इस बुक के सभी चैप्टर्स मिल जाएंगे, आप वहाँ से उनको देख सकते हो। यहाँ पर आप सबक नंबर 17 को पढ़ोगे। सबक का नाम है मौलाना बरकतुल्ला भोपाली। तो सभी बच्चे इस तरफ ध्यान देंगे। मौलाना बरकतुल्ला भोपाली 1862 में भोपाल में पैदा हुए। इनके वालिद साहब का नाम मौलवी शुजातुल्ला था, जो कि एक मदरसे में मुदर्रिस यानी कि टीचर की हैसियत से काम करते थे। बरकतुल्ला को बचपन से ही तालीम हासिल करने का शौक़ था। इन्होंने अरबी, फारसी और उर्दू की इब्तदाई तालीम हासिल की और मदरसा सुलेमानिया भोपाल में मुदर्रिस यानी कि उस्ताद की हैसियत से अमली ज़िंदगी का यानी कि काम करने की शुरुआत इन्होंने अपनी ज़िंदगी में उस्ताद की हैसियत से की। इस वक्त हिंदुस्तान पर अंग्रेज़ों का राज था। वो तरह तरह से हिंदुस्तानियों पर जुल्म और ज़्यादती करते थे। ये बात मौलाना बरकतुल्ला को एक आँख ना भाती थी। वो अपने मुल्क को आज़ाद और अहले वतन यानी कि पूरे वतन को खुशहाल देखना चाहते थे। उनका ख्याल था कि अंग्रेज़ों से मुकाबला करने के लिए अंग्रेज़ी जानना ज़रूरी है। अंग्रेज़ी तालीम हासिल करने के शौक में इन्होंने 1883 में भोपाल छोड़ दिया और मुंबई चले गए। वहाँ इन्होंने मिशन स्कूल में अंग्रेज़ी की तालीम हासिल की। अंग्रेज़ी तालीम ने इनके जहन को रोशन कर दिया, जिससे मुल्क को आज़ाद कराने की ख्वाहिश इनकी और शदीद और तेज़ हो गई। इनका ख्याल था कि अंग्रेज़ों से टक्कर लेने के लिए बैरूनी यानी कि बाहरी मुल्कों में जाकर उनके खिलाफ फ़िज़ा तैयार करनी होगी, माहौल बनाना होगा अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ बाहरी मुल्कों के साथ मुल्कों में जाकर। वो अपनी इस कोशिश में कामयाब हुए और खामोशी के साथ बम्बई से इंग्लिस्तान रवाना हो गए। वो कुछ अरसे तक लियोरपोल यूनिवर्सिटी के और ओरिएंटल लियोरपोल यूनिवर्सिटी के ओरिएंटल कॉलेज में अरबी के प्रोफेसर रहे। बरकतुल्ला भोपाली को तहरीर व तकरीर दोनों में महारत हासिल थी, यानी कि आर्टिकल्स लिखने और स्पीच देने दोनों कामों में महारत हासिल थी। इंग्लिस्तान के क़याम के दौरान यानी कि इंग्लिस्तान में रहने के दौरान वहाँ अखबारों में छपने वाली अपनी तहरीरों और जोशीली तकरीरों ने उन्होंने एक नई पहचान बना ली थी। वतन को आज़ाद कराना उनकी ज़िंदगी का मिशन बन गया था। वो 11 साल इंग्लिस्तान में रहे और अपने मिशन को कामयाबी के साथ जारी रखा। तंग आकर हुकूमत बरतानिया ने उन्हें इंग्लिस्तान छोड़ने पर मजबूर कर दिया। अपने मिशन पर कायम रहते हुए वो अमेरिका चले गए, वहाँ 6 साल रहे। इनकलाबी सरगर्मियों की वजह से उन्हें अमेरिका भी छोड़ना पड़ा। अब उन्होंने जापान का रुख किया और टोक्यो यूनिवर्सिटी में मशरक़ी ज़ुबानों के शोबे में प्रोफेसर हो गए। बरकतुल्ला भोपाली का असल मकसद मुलाजमत नहीं बल्कि अपने मिशन को आगे बढ़ाना था। जापान में उन्होंने इस्लामिक फैटर्निटी यानी कि इस्लामी भाईचारा के नाम से एक जमात कायम की। इसी नाम से अखबार भी जारी किया, जिसके ज़रिए उन्होंने हिंदुस्तान को बरतानिया की गुलामी से आज़ाद कराने की मुहिम चलाई। मौलाना बरकतुल्ला भोपाली अब तन्हा ना थे। उनकी आवाज़ में आवाज़ मिलाने वाले दूसरे इनकलाबी भी उनके साथ शामिल हो गए थे। जिला वतन यानी कि देश से बाहर निकले हुए इनकलाबियों के साथ मिलकर मौलाना ने एक इनकलाबी पार्टी की बुनियाद डाली, इनकलाबी पार्टी बनाई। इनके इनकलाबी सरगर्मियों पर पाबंदी लगाने के लिए बरतानवी हुकूमत ने जापानी हुकूमत पर दबाव डालना शुरू कर दिया, जिस वजह से मौलाना को जापान छोड़कर पेरिस जाना पड़ा। पेरिस में वे अखबार इनकलाब के एडिटर मुकर्रर हुए, जो हिंदुस्तान की आज़ादी का तर्जुमान था। यहाँ उन्होंने अंग्रेज़ी हुकूमत के ख़िलाफ़ अपनी सरगर्मियों को तेज़ कर दिया। इन सरगर्मियों पर अंग्रेज़ी हुकूमत की गहरी नज़र थी, इसलिए पेरिस में भी वो ज़्यादा अरसे ना रह सके और एक बार फिर अमेरिका चले गए। यहाँ इन्होंने एसोसिएशन ऑफ पैसिफिक कोस्ट कायम की। एक अखबार खतर के नाम से जारी किया। कुछ दिनों बाद खतर पार्टी के नाम से एक इनकलाबी जमात भी बना ली। इस अखबार और पार्टी का मकसद बरतानवी हुकूमत का तख्ता उलटकर हिंदुस्तान में आज़ाद हुकूमत कायम करना था। मौलाना बरकतुल्ला भोपाली ने अपने इनकलाबी मिशन को कामयाब बनाने के लिए तुर्किस्तान, रूस, स्विट्ज़रलैंड और अफ़गानिस्तान का भी सफ़र किया। इन मुल्कों के सरबराहों से मुलाकात करके इन्होंने अपने मिशन के लिए हिमायत की अपील की।
अक्टूबर 1915 में काबुल में आज़ाद हिंदुस्तान की पहली आर्जी यानी कि वक्ती जिलावतनी हुकूमत कायम की गई। मौलाना बरकतुल्ला भोपाली को इस हुकूमत का वज़ीर आज़म बनाया गया। राजा महेंद्र प्रताप सिंह इसके सदर और मौलाना अब्दुल्ला सिंधी इसके वज़ीर खारजा थे। इस हुकूमत में हिंदुस्तान के बहुत से जुर्रियत पसंद शामिल थे। मौलाना अपनी पूरी ज़िंदगी अपने हिंदुस्तान को आज़ाद कराने के लिए वक्त कर दी थी, लगाती थी। वो एक इनकलाबी रहनुमा थे। इन्होंने उम्र का बड़ा हिस्सा जिला वतनी में यानी कि देश से बाहर रहकर गुजारा और तरह तरह की मुश्किलें बर्दाश्त की। सितंबर 1927 में सैन फ्रांसिस्को में इनका इंतकाल हो गया। इन्होंने अपने इस कौल को इस बात को सच कर दिखाया, जब तक सर ज़मीने हिंद पर आज़ादी का सूरज न चमकेगा बरकतुल्ला के कदम वहाँ ना पड़ेंगे। मौलाना बरकतुल्ला भोपाली एक बेबाक सहाफ़ी यानी कि अखबार लिखने वाले निडर इनकलाबी और मर्द अहन यानी कि मजबूत इरादे के इंसान थे। इन्होंने अपनी तवील मुजाहिदाना ज़िंदगी में दुनिया की सबसे बड़ी ताकत बरतानवी साम्राज्य से ज़बरदस्त टक्कर ली और हर मुहाज पर उसका मुकाबला किया। वो आखिरी सांस तक वतन से दूर रहकर वतन की खिदमत करते रहे। मध्य प्रदेश हुकूमत ने इनकी खिदमत की वजह से भोपाल में यूनिवर्सिटी का नाम बरकतुल्ला यूनिवर्सिटी रखा। लाल किले दहली में मुजाहिदीन आज़ादी के म्यूज़ियम में बरकतुल्ला भोपाली के नाम से एक गोशा एक जगह कायम की गई है, यानी कि म्यूज़ियम के अंदर उनके बारे में बताया गया है। भोपाल में एक कम्युनिटी हॉल और दूसरी यादगारें भी इनके नाम से मंसूब की गई हैं। तो बच्चों, एग्ज़ाम में अल्फाज मायने भी आएंगे, आपको इनको याद करना है। लिखकर स्पेलिंग के साथ याद करोगे, याद रहेगा कैसे याद करोगे, लिखकर स्पेलिंग के साथ। तो पढ़कर बताती हूँ। मुदर्रिस यानी कि उस्ताद, आगाज़ यानी कि शुरुआत, मुहाज आराई यानी कि मोर्चा खोलना, जिला वतनी यानी कि मुल्क से बाहर निकालना, मुजाहिदाना यानी कि जदोजहद से बरी हुई, तर्जुमान यानी कि नुमाइंदा, सरबरा कहते हैं सरदार को, वज़ीर ख़ारजा यानी कि बैरूनी बाहरी मुल्कों के मामलात का वज़ीर, बैरूनी कहते हैं बाहरी को, हुर्रियत पसंद यानी कि आज़ादी जाने वाला, आर्जी कहते हैं वक्ती तौर पर, मर्द आहन मजबूत इरादे वाला, मुजाहिद जदोजहद करने वाला, गोशा यानी कि कोना, मंसूब यानी कि निस्बत दिया गया या फिर किसी चीज़ से मुतालिक। सबक के टेक्स्ट बुक के क्वेश्चन आंसर हैं, एग्ज़ाम में किस तरह से लिखोगे पढ़कर बताती हूँ। टेक्स्ट बुक के क्वेश्चन आंसर हैं, सवाल नंबर एक, मौलाना बरकतुल्ला भोपाली कब और कहाँ पैदा हुए? जवाब, मौलाना बरकतुल्ला भोपाली 1862 में भोपाल में पैदा हुए। सवाल दो, अखबार इस्लामिक फैटर्निटी किस लिए जारी किया गया? अखबार इस्लामिक फैटर्निटी के ज़रिए मौलाना बरकतुल्ला भोपाली ने हिंदुस्तान को बरतानिया की ग़ुलामी से आज़ाद कराने की मुहिम चलाई थी। सवाल तीन, मौलाना ने अमेरिका में कौन सा अखबार जारी किया? मौलाना ने अमेरिका में कदर के नाम से अखबार जारी किया। सवाल चार, मौलाना ने अपने इनकलाबी मिशन को कामयाब बनाने के लिए किन मुल्कों का सफ़र किया? मौलाना बरकतुल्ला भोपाली ने अपने इनकलाबी मिशन को कामयाब बनाने के लिए इंग्लिस्तान, अमेरिका, पेरिस, तुर्किस्तान, रूस, स्विट्ज़रलैंड और अफ़गानिस्तान का सफ़र किया। सवाल पाँच, मौलाना ने अपने किस कौल को पूरा कर दिखाया यानी कि अपनी कही हुई किस बात को सच्चा कर दिखाया? जवाब, मौलाना बरकतुल्ला भोपाली ने अपने इस कौल को सच कर दिया कि जब तक सरज़मीन हिंद पर आज़ादी का सूरज न चमकेगा बरकतुल्ला के कदम वहाँ नहीं पड़ेंगे। सवाल छः, हमारे मुल्क में इनके नाम से कौन कौन सी यादगारें हैं? हमारे मुल्क में मौलाना बरकतुल्ला भोपाली के नाम से भोपाल यूनिवर्सिटी का नाम बरकतुल्ला यूनिवर्सिटी, लाल किले में मुजाहिदीन आज़ादी के म्यूज़ियम में इनके नाम से गोशा कायम है। इसके अलावा भोपाल में कम्युनिटी हॉल और दूसरी यादगारें भी इनके नाम से हैं। चैप्टर के फिलअप्स हैं जो कि ऑलरेडी फिल है, पढ़कर बताती हूँ। वो अपने मुल्क को आज़ाद और अहले वतन को खुशहाल देखना चाहते हैं। अंग्रेज़ी तालीम ने उनके जहन को रोशन कर दिया। बरकतुल्ला भोपाली का असल मकसद मुलाजमत नहीं बल्कि अपने मिशन को आगे बढ़ाना था। जिला वतन इनकलाबियों के साथ मिलकर मौलाना ने इनकलाबी पार्टी की बुनियाद डाली। इन्होंने अंग्रेज़ी हुकूमत के खिलाफ अपनी सरगर्मियों को तेज़ कर दिया। मुहावरों का जुमलों में इस्तेमाल,
एक आंख ना भाना, जुमला मुझे बदतहसीब लोग एक आंख नहीं भाते। तख्ता उलट देना, हिंदुस्तानियों ने अंग्रेज़ों का तख्ता उलट कर दिया। हिम्मत ना हारना, हिंदुस्तानियों ने अंग्रेज़ों के सामने हिम्मत ना हारी। टक्कर लेना, हिंदुस्तान के लोग अंग्रेज़ों से बराबरी की टक्कर ली। हिंदुस्तान के लोगों ने अंग्रेज़ों से बराबरी की टक्कर ली। यहाँ पर आपको मैचिंग करनी है, जैसे कि काबुल में आज़ाद हिंदुस्तान की पहली आर्जी हुकूमत कायम की गई तो मौलाना बरकतुल्ला भोपाली को इस हुकूमत का वज़ीर आज़म बनाया गया। राजा महेंद्र प्रताप सिंह को सदर बनाया गया और मौलाना अब्दुल्ला सिंधी को वज़ीर ख़ारजा बनाया गया। वाहिद जमा है यहाँ पर मदारिस की जमा, मदारिस जमा है, वाहिद होगा मदरसा। मुश्किल की जमा मुश्किलें, वज़रा की जमा वज़रा का वाहिद वज़ीर। रुकन की जमा अरकान। तकरीर की जमा तकारीर की जमा तकरीर। तालीम की जमा तालीमात। मकसद की जमा मकासद, मकासद का वाहिद मकसद। कौम की जमा अख्वाम। यहाँ पर आपको मौलाना बरकतुल्ला भोपाली की तंजीमों के नाम, जो उनके द्वारा स्टार्ट की गई तंजीम थी उन्हें बताना है, और अखबारों के नाम तो ख़दर पार्टी, इस्लामिक फैटर्निटी, एसोसिएशन ऑफ पैसिफिक कोस्ट, इनकलाब, इस्लामिक फैटर्निटी और ख़दर। अगला सवाल है, इस सबक में दो लफ्ज़ों से मिलकर बने हुए कुछ अल्फाज आए हैं, जैसे कि खुशहाल और बेबाक। इसी तरह खुश और बे लगा कर चार चार अल्फाज बनाओ। खुशहाल, खुशकिस्मत, खुश नसीब, खुश रंग, बेअकल, बेचैन, बेदीन, बेवकूफ़। मौलाना बरकतुल्ला भोपाली के बारे में पांच जुमले। मौलाना बरकतुल्ला भोपाली 1862 में भोपाल में पैदा हुए। ये एक बेबाक सहाफ़ी और निडर इनकलाबी थे। मौलाना बरकतुल्ला भोपाली ने अंग्रेज़ी साम्राज्य को ख़त्म करने में मदद की। वो अपने वतन को खुशहाल देखना चाहते थे। मौलाना बरकतुल्ला भोपाली इनकलाबियों में से थे जिनका हिंदुस्तान को आज़ाद कराने में बहुत बड़ा हाथ था। सभी लफ्ज़ों को लिखना है और पढ़ना है। जिला वतन जिम लाम अलिफ़ला जिला वाओ तोए नून तर्जुमान ते बनाओगे ऐसे गोल बिंदी लगाओ रे बना दो तर जिम मिम अलिफ़मा नून तर्जुमान मिम रेमर दाल दे मर्दे अलिफ है नून अहन एतराफ़ अलिफ ते रे अलिफ फे हुर्रियत हे के साथ रे ये और ते हुर्रियत।